को हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 30 जुलाई को आप डाउनलोड कर सकते हैं, 30 जुलाई 2020 को। ओके, मैं आपको फुल नोट्स और 2021 में जो डिस्काउंट कर दिया गया है, आपके जो सिलेबस से हटा दिया गया है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं कराऊंगा, और उसमें आपको एक्चुअली नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन नोट्स में आपको क्लोज का निशान लगा दूंगा, ताकि आप 2000 किसी भी अपने भाई बहन किसी को भी नेक्स्ट ईयर में देना चाहते हैं, 10,000 2022 में देना चाहते हैं, तो आप उन नोट्स को दे सकते हैं अपने भाई को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ उसके बाद में क्या है, कूलाम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम को याद करते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना दोस्तों। तो कूलाम का नियम क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा कूलाम के नियम को, और लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कूलाम का नियम होता क्या है, देखिए इस नियमानुसार यहाँ लिखेंगे, इस नियमानुसार या कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। बस आपको इतना तो याद कर लेना है, कितना याद कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ था। कैसे करोगे, इस नियम अनुसार या कूलाम के नियम अनुसार, क्या कूलाम एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा, भाई कूलाम था, उसने क्या कहा कि दो आवेश मान लीजिए, एक क्यू है एक क्यू टू है, ठीक है ना, Q1 और Q2 दो आवेश थे, उनके बीच लगने वाला, यहां से इन दोनों के बीच में कोई बल तो लगेगा ना, जब ये खींचेंगे एक दूसरे को तो बल लगेगा, वो क्या लगेगा, कूलाम बल, क्या उनके बीच लगने वाला कूलाम बल, इन आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों की गुणा के, ठीक है ना, लगने वाला बल, उनके दोनों के गुणनफल के, इनके Q1 और Q2 के, इन दोनों की गुणा करेंगे, उनके गुणनफल के व्युत्क्रमपाती, मतलब कि उल्टा, ठीक है ना, जो बल लगेगा वो उल्टा लगेगा, ठीक है ना, उनके गुणनफल के उल्टा लगेगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनकी बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रम में लगेगा, मतलब कि उल्टा, उसका भी उल्टा लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं f बराबर क्या होगा, f देखिए f प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 लगाएंगे, और F प्रोपोर्शनल 1/r² लगाएंगे, ठीक है ना, 1/r². अब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मतलब कि यहाँ लगा देंगे, इस चीज़ को उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को हमने उठाया और यहाँ रख दिया, उसके बाद में इनटू, और इस चीज़ को उठाया हमने यहाँ रख दिया, इसके गुणा में, ठीक है ना। तो ये क्या है, गुणा नहीं है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है इस प्रकार का, ठीक है ना, गुणा इस प्रकार से होती है, प्रोपोर्शनल इस प्रकार से होता है। अब उसके बाद में जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे इसके स्थान पर, बराबर जब हम लगाएंगे तो उसे 1/4π, ठीक है ना, 4π म्यू जीरो के, ठीक है ना, के लगा देंगे, एफ ऐसे लिख देंगे, और जिसके जगह पे बराबर लिखेंगे, जब बराबर को इसके जगह पे बराबर लगाते हैं तो ये जरूर लिखते हैं 1/4π म्यू जीरो के, और इस प्रकार से Q1 और Q2 इसी प्रकार से लिख देंगे, और जब इसकी जब इसके साथ गुणा करेंगे तो एक का यही होगा Q1 Q2 और बटे r² रह जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या करेंगे, जहां क्या होगा क्यू 1/4π म्यू जीरो के एक नेतांक है, ये जो है ना यहां से यहां तक एक नेतांक है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद लिखेंगे वायु और निर्वात में के का मान 1 होता है, यदि वायु और निर्वात की बात करेंगे तो के का मान कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। धातु के लिए के का मान अनंत होगा, कितना होगा, इन्फिनिट होगा, और प्लास्टिक के लिए के का मान कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा, इस बात को याद रखना है। और के एक अल्प विनयतांक है जिसे पदार्थ का परावैद्युत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैरावैद्युक कहा जाता है, ठीक है ना, एक नेतांक है जिसे पदार्थ का क्या कहा जाता है, पैरावैद्युक कहा जाता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में थोड़ा और अगले देख लेते हैं, यहां चलते हैं और देखो उसके बाद में यहां देखेंगे, यहां बोला जा रहा है उसके बाद में जो हमारा था 1/4π म्यूज और के की जगह पर हम जीरो वगैरह, जो प्लास्टिक वगैरह मैंने कहा प्लास्टिक के लिए जीरो लगाएंगे, यदि धातु के है तो के का अनंत लगाएंगे, वायु निर्वात में एक मान लगाएंगे, तो उसे हम के का मान क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, जीरो लगाएंगे तो जीरो गुणा करके आएगा, एक लगा देंगे तो इतना आ जाएगा, तो 1/4π म्यू जीरो बराबर। अब देखिए मैंने 1/4π म्यू जीरो का जो मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो मान होता है 1/4π म्यू जीरो का मान इतना होता है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। उसके बाद में आपको देख लेना है कि यहां दे रखा है कि म्यू जीरो एक अन्य मात्रक है जिसे पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं, तो म्यू जीरो को क्या कहते हैं, पदार्थ की वैद्युतशीलता,
प्रोडक्ट की पदार्थ की वैद्युतशीलता बोला जाता है, ठीक है ना। अब म्यू जीरो का मान भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे ना किसी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तभी तो बता पाएंगे कि 1/4 पाई म्यू जीरो का मान 9×10^-900 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है और किलोमीटर स्क्वायर होता है। और साथ ही साथ म्यू जीरो की बात करें जो जिसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं, और वैद्युतशीलता का मान 8.85×10^-, ठीक है ना, 18। और यहाँ फिर 18 यहाँ देखिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आपका क्या होता है, अब देखिए जो हमारा जो न्यूटन जो कूलम का नियम था वो निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई म्यू जीरो के इनटू Q1 Q2/r², ठीक है ना। तो आपको इतना ये चीज़ को याद रख लेना, ये हमारा कूलम का नियम हो जाता है, ठीक है ना, ये कूलाम का नियम हो जाता है। और मैंने कहा वायु में के का मान 0 होता है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, कूलाम का नियम इस 57 हो चुका है। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे कि नोट मार लीजिए, नोट आपको करना है, मेरे हिसाब से आप कुछ भी मत करिए, बस वीडियो को देखिए समझिए और आपको बस नोट्स डाउनलोड कर लेना है 30 जुलाई को, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी पहले द्विगुणी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नोट्स आप डालिए, यदि दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, पहले Q1 था एक Q2 था, यही तो था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ मान लीजिए R थी, अब यहाँ को दोगुनी कर दी जाए, यहाँ से और R इधर बढ़ा दी जाए तो ये कितने हो जाएगा R, और R कितने हो जाएगी 2R हो जाएगी, तो 2R कर दिया जाए। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, हमारा जो सूत्र था F प्रोपोर्शनल 1/r² था, अब उन्होंने क्या कर दिया भाई 2R कर दिया, क्योंकि RA कितना हो गया 2R, कितना हो गया 2R हो गया, जब 2R हो जाएगा मतलब कि R एक ही है, R ये है, तो 2R हो गई, तो कितना हो गई 2R, तो R के जगह पे हमने क्या लगा दिया 2R लगा दिया, ठीक है ना, R की जगह हमने कितना लगा दिया 2R लगा दिया, 2R देखिए F1 प्रोपोर्शनल 1/2R की स्क्वायर हो जाएगा, और F1 बराबर जब हम प्रपोर्शन देखिए यहाँ का हमने किया गया, जब इसकी स्क्वायर कर देंगे दो दूनी 4R² हो जाएगा, और मैंने इसके साथ जब इसकी गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4, मतलब कि F/4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा F/4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका ये प्रभाव पड़ेगा, फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पॉइंट नीचे डालेंगे, एक पॉइंट और डालना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए ये भी आप देख लीजिए एक बार, यदि आवेशों के बीच की दूरी पहले से आधी कर दी जाए, पहले हमारी कितनी थी दोगुनी करके देगी तो हमारा ये प्रभाव पड़ा, यदि हम आधी कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो R का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, R का आधा करेंगे तो वही हमने जो हमारा सूत्र था F प्रोपोर्शनल 1/r² था, ठीक है ना, जब r² था हमारा तो हमने क्या किया, अब उसे आधा कर दिया, त्रिज्या को आधा कर दिया, तो त्रिज्या को आधा कर दिया तो हमने कितना r/2 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा F प्रोपोर्शनल 4/4², तो यह क्या होगा, तो F प्रोपोर्शनल 4F आ जाएगा। अतः उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि देखिए बल पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा, तो बल क्या होगा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, और बल पहले की इसमें क्या होगा जब दुगना करेंगे तो 4 गुना क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ बल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, आधी करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यदि हम दुगने करेंगे तो 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आता होगा, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं उसके बाद में यहाँ क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ पॉइंट यहाँ जो कूलम से नियम से रिलेटेड हैं, तो वो आपको यहाँ पूरा क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट जो पार्ट डालूंगा उसमें आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो कह रहा है पॉइंट डालिए, नोट भी आपको यहाँ करना है कि दो आवेशों पर लगने वाला कूलाम बल बराबर व विपरीत होता है, जब दो आवेशों पर याद रखना, जब दो आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा, ठीक है ना, जो कूलाम होगा वो बराबर और विपरीत होगा, ठीक है ना, कूलाम जो बल होगा वो विपरीत और बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट डालेंगे, कूलाम बल गुरुत्वीय आकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है, याद रखना जो कूलाम बल होता है वो गुरुत्वीय आकर्षण बल से बहुत अधिक कैसा होता है, प्रबल होता है, ठीक है ना, प्रबल होता है। और इसमें यहाँ पॉइंट डालेंगे कि निर्वात में वैद्युतशीलता और माध्यम में वैद्युतशीलता का संबंध, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो आप पॉइंट डालेंगे कि निर्वात में वैद्युतशीलता और माध्यम में वैद्युतशीलता पर प्रभाव, जो संबंध है म्यू जीरो और म्यू में संबंध क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अभी बस ये देख सकते हैं इमेज किस प्रकार से मेरी आपको नोट्स आपको मिलने वाला है, तो आप बहुत स्पेक्ट करके बहुत मस्त करके नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा।
करूँगा। तो बस आप देख सकते हैं कल मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आती होगी, तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से 85% प्लस नहीं बल्कि 90% मिलने वाला है, क्योंकि 95% यहाँ से फंसा है और बच्चों के 85, 86, 87% तक इस नोट से बन चुकी है 2020 के रिजल्ट में। तो देख लीजिए मैं आपको कल यहाँ तक बढ़ाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, यानी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको 100% सहायता करूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।